बड़े ठाकुर, रुक जाओ, छोड़ दो इसे, रुक जाओ। बड़े ठाकुर की हिम्मत कैसे हुई कि हम पर नजर उठाए? रुक जाओ। इस बार तो छोड़ दिया, लेकिन ऐसी नजर फिर से उठी तो याद रखना। नजर उसकी हम पर नहीं है, उस पर है जो नए नए इस गांव में बस। क्यों? ठाकुर ने उसे इस गांव छोड़ने को कहा है। किस लिए? ये तो मुझे भी मालूम नहीं। चलो मिलते हैं। चलो। या बेटा, सोना बेटा। अरे अरे, ये क्या किया? उठा दिया ना आपको? क्या आप तो उठा। अरे आज के दिन किसान नहीं जागेगा तो कौन जागेगा पारो? बस बस रहने दीजिए। अपने बेटे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, एक हट्टे कट्टे मजबूत किसान बनाएंगे जिसे सारी दुनिया देख के ही रह जाएगी। चंदा और सूरज की तरह हमारे दो बेटे भी हर किसी के दिल में बस जाएंगे और किसानों के बारे में यह गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। यही तो मेरा सपना है, इसीलिए तो मैंने इनका नाम रखा है चंदा और सूरज, मेरे कलेजे के दो टुकड़े। ये मेरा सपना है और मेरा सपना एक दिन जरूर पूरा होगा। अच्छा, तू जो है मेरे साथ। नहीं बाबा नहीं, मैं पहले ही बोल देती हूँ, मुझे ये सब नेतागिरी नहीं आता। अरे अरे, आप कहाँ चले? बड़े ठाकुर ने कह दिया अब हमें जमीन नहीं मिलेगी। फिर क्या, किसानों के बाजू में जब तक ताकत है उसकी रोटी कोई छीन नहीं सकता। आज से मैं उस बंजर जमीन में काम करूंगा और मेरे साथ मेरे दो बेटे भी जाएंगे। आप कहीं पागल तो नहीं हो गए? इतने छोटे बच्चे, अभी तक दूध भी नहीं छूटा, और आप भी क्या? इस बंजर जमीन में ना कभी फसल उगी है और ना ही फसल उग सकती है। फिर आप... मैं ये नहीं मानता। दिखाई देते इस सारे पत्थरों के नीचे बड़ी उपजाऊ जमीन मिलेगी जो फसल उगा सकती है। मैं अपनी मेहनत और लगन से उस मिट्टी तक पहुंचा और दुनिया वालों को दिखा दूं। अपने बाजू में ताकत हो तो मेहनत वालों की रोटी कोई छीन नहीं सकता। चलो अब मैं चलता हूँ। सुनिए, कुछ भी हो आप जल्दी घर आइएगा। अरे मैं कौन सा परदेश जा रहा हूँ, चल अब जाने भी दे। तो मालूम हुआ ना? ये तो बड़े ठाकुर का जुलम है, हम इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और भाई साहब का साथ देंगे। ठीक है। ये तो बड़े ठाकुर का घुड़सवारी है, कोई गड़बड़ जरूर है। चलो चलते हैं। चलो। के इतिहास में तुम पहला नौजवान हो जिसने हमारी रियासत के खिलाफ आवाज उठाई। हम तुम्हारी इस हिम्मत की दाद देते हैं, हम तुम्हें तुम्हारी जान बख्श देंगे, लेकिन एक शर्त पर। आज इसी वक्त तुम अपनी बीवी बच्चों को लेकर रायगढ़ की सीमा छोड़कर निकल जाओ। कितनी अजीब बात है, रियासत के इतना प्रतापशाली राजा जिनके हुक्म बिना यहाँ के एक पत्ता भी नहीं हिलता, ठाकुर विक्रम सिंह आज एक मामूली इंसान से डर गए। आखिरी मौका दे रहा हूँ, नहीं माना तो इसका अंजाम तुम सोच भी नहीं सकते। तुम और कर भी क्या सकते हो, ज्यादा से ज्यादा मेरी जान ले लो। नहीं, मैं तुझे मारूंगा नहीं, तुझे जिंदा रखूंगा, लेकिन जीने का हर पल तुझे मृत्यु यातना भोगनी होगी, यही तेरी सजा है। तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन ये नहीं भूलना कि मैं अकेला हूँ, मेरे पीछे भी कोई है, मेरा अपना खून जो इस वक्त अपने माँ की गोद में पल रहे हैं। आज नहीं तो कल वो बड़े होंगे और एक दिन ऐसा भी आएगा जब तेरे घर में दिया जलाने वाला कोई नहीं हो। अब तू चाहे कुछ भी कर ले, तेरे सामने मैं अपना सर कटवा दूंगा, लेकिन झुकाऊंगा नहीं। मुझे झुकाना आता है, जाओ इसकी बीवी बच्चों को उठा लाओ। मैं तेरी आंखों के सामने तेरे बच्चों को खत्म कर दूंगा, फिर देखता हूं जब तक इसके बीवी बच्चे नहीं आते
तुम लोग इसका अच्छी तरह से ख्याल रखना। तू जैसे जंगली बिच्छू मैंने बहुत देखा, तू क्या बोलेगी बोल, क्या बोलेगी तू? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। सभी कमीनी। नाजुक बदन की यही कमजोरी है। काली कमीनी, लड़की होकर मुझसे टकराती? दुश्मन को सावधान किए बिना हम उसकी जान नहीं लेते। तुझे दिखता हूँ। इसलिए ये नमूना पेश किया, उन बच्चों पर नजर उठाने से पहले इस निशान को एक बार देख लेना। कदम आगे बढ़ा तो सर पे कफन बांध लेना। साला हरामी, मुफ्तखोर की औलाद, इस बार तेरे मालिक के पास तेरी लाश पहुँचेगी, याद रखना। रोना नहीं बेटे, तुझे कुछ नहीं होगा। मैं जो हूँ, चाहे कोई मदद मिले या ना मिले, मेरे जीते जी तुम पे आज नहीं आने दूंगी। तुम्हारे लिए इस दुनिया से मैं अकेली लड़ूंगी। चुपचाप गाड़ी में आके बैठ जाओ। मैं या मेरे बच्चे आपके कोई हुक्म के गुलाम नहीं। आपको मर्यादा का थोड़ा सा भी ख्याल हो तो मेरे रास्ते से हट जाइए। तू सरकार से इस तरह की बातें कर रही है? रोब देखा है सरकार? उसको मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। अपनी ताकत पर इतना ही भरोसा है तो मुकाबला इन बच्चों से नहीं, इनके जवान होने तक रुक जाइए। इन बच्चों को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे और तुम्हारी सारी जिंदगी हमारी सेवा में बितानी पड़ेगी। ये तो वक्त ही बताएगा। तू जानती है किससे बात कर रही है? एक गिरे हुए नीच आदमी से। हमारी नीचता तुमने देखी कब है? अब देखोगी। तुम्हारे बदन को हमारी गाड़ी के पीछे बांधेंगे और उसे घसीटते घसीटते हमारी हवेली तक लेके जाएंगे। आज तक तुमने सिर्फ औरतों की मजबूरी देखी है, आज मैं जंगा। सरकार, साली तेरी इतनी। ये तो एक नमूना है, आगे समय का इंतजार करना। देख रहे हो, पकड़ो उसे। साली भाग कर जाएगी कहाँ? कहीं से भी हम उसको ढूंढ के निकालेंगे। ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी। आज सूरज डूबने से पहले इसे पकड़ कर आपके कदमों में हाजिर करूंगा। जैसा भी है, जिंदा या मुर्दा। मुझे जिंदा चाहिए। ऐसा ही होगा। तेरी बीवी काफी बहादुर है, मेरे हाथ से निकल गई, लेकिन उसे मालूम नहीं मेरे हाथ कितने लंबे हैं। एक न एक दिन मैं उसे जरूर पकड़ लूंगा और तब तक तुझे इसी तरह तड़प तड़प के जीना होगा। इन्हें बस्ती में ले जाना, बेहोश है। आप फिक्र ना करें, हम ध्यान रखेंगे। चुटकी चुटकी जल्दी चल, नदी किनारे है, औरत और बच्चे मिले। चल ना। किधर है? समाचार? आज सुबह बिल बस्ती के किनारे एक औरत दो बच्चों के साथ बेहोश मिली थी, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, वहाँ हमारा कुछ नहीं चलता है। उन लोगों ने उस औरत को अपने पास रख लिया होगा, और हम क्या कर सकते हैं साहब।
भील सरदार को जाके कह दो उस औरत और बच्चों को मेरे हवाले करे, वरना उस बस्ती को जला कर राख कर दूंगा। एक भी भील के जीते जी राजा साहब की इच्छा कभी पूरी नहीं होती। जाओ जाके कह दो। ये बात है, हम अपनी सेना को हुक्म देते हैं। सेना उनकी है तो हमारी भी। जाओ जाके कह दो, हमारी आर्थिक औरत उनके हाथों का खिलौना नहीं हो सकती। हम उनकी तब तक मदद करेंगे जब तक उनके बेटे चंदा और सूरज जवान नहीं हो जाते। जाओ। विक्रम, तुम्हारे बुजुर्गों ने ऐसा नहीं किया। वो जमाना कुछ और था, लेकिन आज कुछ लोग हमारी प्रतिष्ठा मिटाने पर तुले हुए हैं। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। राज गरिमा बनाए रखने के लिए हम खून की नदी बहा देंगे जरूरत पड़ी तो, पर इसे मिटने नहीं देंगे। बेटे, इस संबोधन से मुझे कमजोर न कीजिए। राज धर्म में न कोई माँ होती है न कोई संतान, केवल एक ही लक्ष्य होता है, अपनी परंपरा के ध्वज को अटूट रखना, जिसके लिए मैं वचनबद्ध हूँ। आज मैं तेरा वो हाल करूंगा कि आइंदा कोई भी औरत मर्दों पे हाथ उठाने की हिम्मत न करे। हुक्म के गुलाम, तेरी औकात ही क्या है? हमसे टकराना तेरी मौत का बुलावा है। कल के दुश्मन तरस आता है सामने खड़ी मौत से, तू कितना बेखबर। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। जान मत लेना, जख्मी छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ बच्चा, नहीं छोड़ती है क्या? नहीं छोड़ बच्चा, छोड़ बच्चा। का नतीजा क्या है? फिर कभी कोई हिम्मत करेगा? उठा साली, बहुत सजाया है, उठा। कितना खून बह रहा है? चलो चलो जल्दी ले चलो। कौन मार के गए? कितना खून बह गया, किसी गोली से। चलो चलो जल्दी से ले चलते। कैसी है वो? खतरे से बाहर है। और बच्चे? ठीक हैं। गुंडों ने उनके सर पर बहुत बुरी तरह वार किया है। ये तो शुरुआत है, आगे देखती जाओ। मेरे बच्चे। बीबी जी, आपके बच्चे सही सलामत है, देखना है, देखो मेरे बच्चे है ना। अब तुम फिक्र मत करो, सो जाओ। एक तरफ तुम जैसे राजशक्ति के योद्धा, सब रायगढ़ के विशाल जनता, और दूसरी तरफ एक निहत्थी मामूली औरत और दो दूध पीते बच्चे, फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाए। सरकार, जंगली जानवर ने हमें कुछ भी नहीं करने दिया। भर पानी में डूबकर मर क्यों नहीं गए? पिस्तौल नहीं था, गोली नहीं चला सके। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इनाम दूंगा? क्या मूल लेकर वापस आए? ठाकुर खानदान की अच्छी शान बढ़ाई तुमने, हमारी मर्यादा का अच्छा ख्याल किया। खुलेआम खुली सड़क पर एक औरत पर लाठी चलाई तुमने, खून से लथपथ बेहोश उसे जंगली जानवरों के बीच छोड़ा है। चल नहीं आती, ये भी नहीं सोचा इस
निर्मम कांड के कारण हमारी प्रजा हमसे विद्रोह कर सकती है, हम पर आ जा सकती है। तुम यहां से कहीं दूर चले जाओ जहां तुम्हें कोई पहचान न सके। आगे जो करना है हम खुद देखेंगे। कोई है इधर? अरे ओ गांव वालों, मेरी आवाज सुनाई दे रही है या नहीं? सब के सब बाहर निकलो। अब घोड़े बेचकर सो गए हो सब लोग, हमसे मुझ छुपाने का अंजाम बहुत बुरा होगा। अब भी वक्त है, हमारी बात मान लो, बाहर आ जाओ। इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना ये चुप्पी बहुत महंगी पड़ेगी। मेरी आवाज सुनाई दे रही है या नहीं? सब के सब घर में दुब के बैठे हो। अरे ओ गांव वालों, बाहर आ जाओ। कौन चिल्ला रहा है? बड़े ठाकुर का आदमी, तू मत जाना, मैं बस्ती में खबर कर देता हूँ। नहीं, किसी को कुछ मत कहना, ये मेरा मामला है। तुझे बहुत तेज बुखार है, तू आराम कर, तू लड़ नहीं सकती। मैं खुद निपटूंगी। ठीक है, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। नहीं, ये औरतों का मामला है, मैं खुद निपटूंगी। और तू उन बच्चों पर ध्यान रखना। ठीक है। मैं कहता हूँ बाहर निकलो। कौन है आप? एहसान फरामोश, हमारी जमीन पर रहती हो, हमारा दिया हुआ अनाज खाती हो और हमी से पूछती हो कि हम कौन हैं? क्या चाहिए आपको? उस औरत और दो बच्चों को अभी मेरे सामने लेकर आओ। नहीं, देखो, हमसे टकराने की कोशिश मत करो, वरना क्या करोगे? हाँ, हम चाहे तो इसी वक्त इस गाँव को बर्बाद कर सकते हैं। ऐसी कोशिश तो करके देख ली है। देखो, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। तुम लोग यहाँ रहना चाहते हो, रहो, ऐश करो, जो कुछ तुम्हें चाहिए हमसे कहो, हम लाके देंगे तुम्हें। लेकिन हमारे जज्बात के साथ मत खेलो। आप लोग भी हमारी इज्जत से खेलने की कोशिश ना करें। तुम जैसी दो टके की गवार जंगली छोकरी की इज्जत से ज्यादा कीमती हमारे राजघराने की शान और शौकत और हुक्मशाही है। जिसने आज तक मुफ्त की रोटी खाई है और फोकट की होशियारी दिखाई है, वो आज हमें इज्जत की बात बताने आया है। वो मुझसे जबान लड़ाती है? इस चट्टान से टकरा कर तेरे सारे गुलाम वापस गए, अब तू भी जाएगा। मैं यहां से जाऊंगा तो जरूर, लेकिन अपने साथ उस औरत और बच्चे को लेकर जाऊंगा। ये हुई ना मर्दों वाली बात, मुझे तेरी ये चुनौती कबूल है। Thank you.
साला मुफ्तखोर, तेरी ये मजाल, अब देख मैं तेरा क्या हाल बनाती हूँ। तेरी ये मजाल? अब तुझे देखकर तेरे राजघराने की शान शौकत इतनी बढ़ेगी जो पहले कभी न थी। हवेली में तुझे इतनी शाबाशी मिलेगी जो पहले किसी को ना मिली हो। नहीं नहीं नहीं, देखो मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। अरे अरे ऐसा मत करो, किसी को अपना मुंह नहीं दिखा सकूंगा। अरे ये क्या कर रही? अरे अरे मुझे नंगा कर दिया, अब अपना घर कैसे जाऊंगा? बच्चे बच्चे ठीक है ना? हाँ ठीक है। और उनकी माँ? हाँ ठीक है। मैं बहुत थक गई। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। कितना प्यारा बच्चा है, मुझे देख के कैसा हंसता है। लेकिन आप भी कैसी है, इतना छोटा बच्चा लेके नदी में छलांग लगाई। अरे शिवन्ना होता ना तो तभी मर जाता, लेकिन उसको अभी जिंदा रहना, अपनी माँ के अपमान का बदला लेना है ना? अरे ओ पार्वती बहन, कहाँ जा रही हो? अरे अरे सुनो तो, उनके यहाँ मैं नौकरी जरूर करता हूँ, पर मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी दिल है। इस जंगल के आदिवासियों के बीच में तुम कैसे रह सकोगी, कैसे पालोगी अपने बच्चों को? कुछ सोचा तुमने? तुम्हारी भलाई के लिए मैं कह रहा था, एक बार बड़े ठाकुर से मिल लेती तो। मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था, पर तुम तो गुस्सा कर लेती हो। मेहरबानी करके आप मेरा पीछा छोड़ दीजिए। ऐसे बड़े ठाकुर को औरतों की कमी क्या है, लेकिन तुम पर जरा दिल लग गया। आप यहाँ से जाएंगे या नहीं? देखो शुरू शुरू में ऐसा नखरा सा भी दिखाती है, बाद में सभी लाइन में आ जाती, तुम भी आओगी। इतना दिखाती हो किस भरोसे पर? बड़े ठाकुर ने हुक्म दिया है, गांव में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, कोई तुम्हें काम नहीं देगा, कैसे जियोगी, कैसे पालोगी अपने बच्चों को? आज से यही तुम्हारा अन्नदाता है, थाम लो इसे। तुम यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो? चलो स्कूल का समय हो। गुरुजी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूँ, मैं माँ के साथ काम करना चाहता हूँ। क्या? हाँ गुरुजी, आपने मेरी माँ को देखा है? वो देखिए, इतनी तेज धूप में इतने बड़े बड़े पत्थरों को उठाने में उनको कितनी तकलीफ हो रही है। माँ से उठाया नहीं जाता, फिर भी वो उठाती है। आपको मालूम नहीं, माँ के इधर उधर दोनों कंधों पर छाले पड़ गए, इसलिए मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ, उनका बोझ हल्का करना चाहता हूँ। बेटे तुम्हारी माँ जो मेहनत कर रही है ना, जो तकलीफ उठा रही है ना, वो सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारा अच्छा भविष्य बने, तुम अच्छा आदमी बनो, यही तो तुम्हारी माँ चाहती है। क्या अच्छा आदमी बनने के लिए पढ़ाई करना बहुत जरूरी होता है गुरुजी? माँ भी मुझे हमेशा यही कहती है, अच्छा आदमी तो मैं जरूर बनूंगा, और इधर हम पढ़ाई करते रहे और उधर माँ काम करते करते बीमार पड़ गई तो? नहीं गुरुजी, मुझे पहले माँ चाहिए, पढ़ाई नहीं। बेटे इतनी सी उम्र में तुम उनकी क्या मदद करोगे? भी कर लूंगा, अब मैं थोड़ी ही दुखी का बच्चा हूँ, मुझ में भी ताकत है, मुझे जाने दीजिए ना गुरुजी। तुम्हारे माँ की बहुत इच्छा थी तुम पढ़ो, और मैंने भी उनसे कहा था कि उनकी इच्छा पूरी हो। अब जब वो मुझसे पूछेंगी तो मैं क्या जवाब दूंगा? आप कुछ भी जवाब दे दीजिए। तुम ही बता दो। आप कह दीजिएगा कि पढ़ाई में मेरा दिमाग ही नहीं है। मतलब मैं उनसे झूठ बोलूं? ठीक है, बोल दूंगा।
तू यहाँ आज स्कूल नहीं गया? क्यों, क्या हुआ, चुप क्यों है, बोल। तुम्हारे लिए दवाई लाया हूँ। मुझे नहीं चाहिए तेरी दवाई। किसने कहा तुझे ये लाने के लिए? स्कूल नहीं गया, बड़ा आया यहाँ कुलीगिरी करने। दूर हो जा मेरे सामने से। इधर मैं जी जान तोड़कर मेहनत कर रही हूँ, क्या इसीलिए मेरा बेटा कुली बने, बोझ उठाए? और तेरा नसीब में यही लिखा है, देख लेना, तेरा भाई पढ़ लिख कर बड़ा होकर बड़ा आदमी बनेगा, और तू तू ऐसे ही मेहनत करते रहना। पता नहीं ये कैसा सरपंच है, और इसका शासन का तरीका देखो, किसानों से जमीन छीनने के बजाय उन्होंने जमीन बांटने लगी। किसानी आकर जमीन के मालिक बन बैठे तो गंगा मैया को भी उल्टी बहनी बनेगी। प्रताप कहाँ है? सरकार अब होटल नाइट क्लब में है। उसको कहो मैंने बुलाया है। होटल नाइट क्लब। चावल में खाना नहीं है।
अगर मेरा कोई बेटा होता तो आज मुझे ये दिन देखना नसीब नहीं होता। आज पुरखों की जमीन पर दो लौंडे कब्जे कर बैठे और मेरा बेटा होटलों में क्लबों में ऐश कर रहा है। निकल जाओ यहाँ से। पिताजी आप क्या सोचते हैं, मैं चुप बैठा हूँ, मुझे कोई फिक्र नहीं है? नहीं पिताजी, मैं भी पिछले चार दिनों से काफी परेशान हूँ, मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए, फिर देखिए उनकी मैं क्या हालत करता हूँ। कल सुबह तक आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। क्या करोगे तुम? जंगा आ रहा है। हाँ पिताजी, वही जंगा जिसे आपने 20 साल पहले इस गांव से निकाल दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक औरत से हार गया था। आज वो एक ज्वालामुखी बन चुका है, मेरी उससे बात हो चुकी है, सिर्फ आपकी इजाजत की देरी है। जंगा? मुझे ठाकुर प्रताप सिंह कहते हैं, ये मेरे दोस्त पिताजी आपकी राह देते हैं। वैसे आपकी उम्र काफी हो चुकी है, इसलिए पिताजी को आपकी ताकत पर शक है। शक मिट जाएगा। वैसे रायगढ़ की जनता और पुलिस हमारे साथ है, हमें सिर्फ उन आदिवासियों की फिक्र है जो उन दोनों से मिले हुए हैं। आप दोनों की शक्ल एक बार मुझे बता दीजिए, मैं अपना काम खुद ही संभाल लूंगा। मुझे तुम पर भरोसा है। चलो। क्या? मैं सच कह रहा हूँ, वो शहर का बहुत बड़ा गुंडा है, मैंने अपनी आंखों से देखा। रुक जा। सूरज अब कोई छोटा बच्चा नहीं है, अपनी हिफाजत कर सकता है, तो क्या हम चुपचाप बैठे रहे? नहीं, हम उस पर नजर रखेंगे। ठीक है। अगर तूने माँ का दूध पिया है तो अकेला ये खाली हाथ तुझे जमीन से उखाड़ नहीं दिया तो मेरा नाम जंगा नहीं। इंस्पेक्टर विनोद को अंदर भेज दीजिए। यस सर। मे आई कम इन सर? यस। कुछ दिनों से रायगढ़ की कानून व्यवस्था ठीक से नहीं चल रही है
हमारी पुलिस विभाग की बदनामी हो रही है। मेरे पास रिपोर्ट आते रहते हैं कि चंदा और सूरज नाम के दो गुंडों ने जनता का जीना मुश्किल कर दिया। आज से ये चौकी का चार्ज आप संभालिए। ये फाइल देख लिए। ओके सर। सूरज, सूरज यहाँ क्या कर रहा है? जा घर जा। डर लगता है। क्यों? किसी ने माँ को चुगली मारी है। तो क्या हुआ? क्या हुआ, अभी अभी भैया गए ना, उसको मालूम पड़ेगा। कुछ नहीं होगा, आज के दिन तेरी माँ तुझे कुछ नहीं बोलेगी। जा तो। मौसी तुमको मालूम नहीं है, माँ कुछ कहती नहीं है, ऐसा दिखेगी बस, वही हो जाता है सब कुछ। जाता है या नहीं? कुछ जा अभी। अरे यार, अब अरे यार, एक बीड़ी पिलाना यार। पीले तूने देखा सूरज कितना बड़ा हो गया ना? पीले कितना सा था, अब कितना बड़ा हो गया। ए, कौन है इधर? सलाम साहब। क्या हो रहा है, चलो यहाँ से। जाती हूँ साहब, जाती हूँ, जाती हूँ साहब, जाती हूँ। मेरे महाराज क्या कर रहा है? चलो कहीं कुछ भी हो जाए, हमेशा तुम दोनों को आगे रहने की क्या जरूरत है, यहाँ और कोई नहीं है। माँ तुम्ही ने तो कहा था हमेशा आगे रहना, पहले नंबर पे रहना। वो मैंने पढ़ाई के लिए कहा था, गुंडागर्दी के लिए नहीं। ये गुंडागर्दी कहाँ है माँ, ये तो अपने हक के लिए लड़ाई है। ये भाषण मत दे मुझे, मेरे दिल में क्या बीतती है वो मैं ही जानती हूँ। एक तो वो आधा खोपड़ी है, अकल तो कभी होगी नहीं, कुछ सोचे समझे भी नहीं, खतरनाक गुंडों से टकरा था, और तू भी आजकल उसका साथ देने लगा। तू क्यों चिंता करती है माँ, मेरे होते हुए मेरे भाई का एक बाल भी बाका नहीं होगा, और टकराने के लिए भी कोई हिम्मत चाहिए, ये तो सब किराए के गुंडे हैं, इनकी क्या औकात, ये क्या हमारा सामना करेगी। पर तू जब कहती है माँ तो आज से हमारी बंद। ओके वादा। वादा देखती हूँ। हट। चश्मा दिखाने वाली, ऐसा चश्मा हमने बहुत देखा है, दो दो रुपया में मिलता है। नीतू जरा बता दे इस चश्मे का क्या कमाल है। इस चश्मे से कपड़े के अंदर का पूरा शरीर दिखाई देता है। देखो जरा, जरा बताना, मैं भी देखूं जरा। चल भाग। सीधा समझकर उल्लू बना रही है क्या? दूंगा एक। होशियारी मत दिख। ए आधा खोपड़ी, अकल तो है नहीं। बहुत हो गया तेरा, पता नहीं अपने आप को समझती है क्या। आ गया भैंस के डब्बे में, इस गांव में और कोई जगह मिली नहीं क्या? जाके आईना में अपना थोबड़ा देख। तू जाए। कभी देखा क्या? मैं तो रोज देखती हूँ। मुंह देखो ना, ट्रक के नीचे पपीता आ गया जैसे। शक्ल तो देखो उसकी, कद्दू जैसी। जरा मुँह तो देखो। कभी दूंगा पकड़ तो मालूम पड़ेगा। ए मुँह संभाल के बात कर, चल तू जरा देखते है। खुद को समस्या क्या है रे? बोल फिर से बोल। बोल तूने क्या बोला था, बोल वापस बोल। अरे अरे तेरे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मेरा नाम रूपा है। अरे रूपा जाने दे बेचारा। मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे तेरे हाथ का मार खा के बेचारे का हुलिया बिगड़ जाएगा। छोड़ूंगी नहीं, मिल वापस। जाने दे चल। तेरे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे रूपा तू अब बड़ी हो गई है। वो भी तो बड़ा हो गया है। अरे वो लड़का है। मैं भी तो लड़की हूँ। अभी तुझे मैं कैसे समझाऊं? मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। क्या हो रहा है, समझ तो मेरी बात। एक दिन मैं तुझे जरूर दिखाऊंगी। मनोज तू कितना अच्छा लड़का है रे, चल हम लोग पिक्चर देखने जाते, शान में बहुत अच्छी पिक्चर लगी है।
चल देखने जाते, बहुत अच्छा है। अरे वाह, क्या फाइटिंग है, क्या एक्टिंग है, क्या गाना है, मजा आ जाए। काय का धक्का मारा, चल हट। मैं अगर मौसी को नहीं बोला तो देखना। जा बोल। सूरज, तूने इसको क्यों मारा? पहले मैंने ही, पहले उसने आके मेरे को लंगी मारा। देखो ना पैर में कैसे चोट लगी है। मारा उसका कुछ नहीं। नहीं मौसी, झूठ बोल रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया। अचानक वही मुझे मारने लगा। अबे चल चल, ज्यादा रो मत दिखा। सूरज, कोई कुछ भी करे उसका कुछ नहीं है और सब दोष मेरा ही है। ये क्या क्या पूछो ना इसको। मैंने क्या किया बोलना मौसी को? तूने ही तो बिनदोष। बिनदोष कहते तुझे शर्म नहीं आती? एक तो मुझ पर हल्ला किया, ऊपर से इधर आके मौसी मौसी पकड़ के दूंगा साले को पकड़ के। बहुत चलने लगी है आजकल, इतना भी ध्यान नहीं कि मैं यहाँ मौजूद हूँ और मेरे ही सामने तू। और उसने कुछ नहीं किया? उसने ऐसे ही हमला किया। तूने कुछ नहीं किया, बहुत अच्छा है तू। उसको पूछो ना उसने क्या किया है। क्या किया उसने? बहुत गलत काम किया है उसने। बोलो मौसी को मैंने क्या किया, बोलू? उससे नहीं, बात तू मुझसे कर रहा है। क्या किया उसने? वो बेशरम है, बदतमीज है। मैंने पूछा क्या किया उसने। वो रूपा है ना? क्या किया उसने रूपा को? रूपा का ऐसा हाथ पकड़ के घूमता है। वो रूपा का हाथ पकड़ के घूमता है तो तुझे क्या हुआ? मेरा बहुत जलता है मौसी। मैंने नहीं किया, रूपा ही मेरा हाथ वगैरह खींच रही थी। निखिल देख रहा है। क्या है बे? मैंने सब कुछ देख लिया है। क्या देख लिया तूने? वो पिक्चर में हीरो हीरोइन करते ना, वो सब कुछ देख लिया। धत मजा चका अभी। कमाल है आजकल के लड़के, बहुत बदमाश हो गए, बहुत बिगड़ गए। साले हमारे एरिया में आके लाइन मारता है और ऊपर से हमको दादागिरी बताता है। फिर आ गया, चल तुझे दिखाता हूँ। सूरज नाम से किसी को जानते हो? जानता हूँ साहब, एक नंबर का टपुड़िया, उसके नाम पर हमारे पास कंप्लेंट है। हमारे ठाकुर साहब देवता आदमी है, उनके पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। क्या यार? जाने दे, मैंने के लिए तुझे नहीं आता। क्या उदय हो जाए? हेलो यार। जाओ बेटी, तुम अंदर चली जाओ। नहीं अब मुझे खेलना है। मैंने कह दिया ना कि अंदर चली जाओ। क्यों सुरेश भाई, कैसे हो? मैं साहब की दुआ है साहब। अभी अभी यहाँ एक लड़की थी, कौन थी? वो मेरी बड़ी बेटी है। अच्छा, वो तुम्हारी बेटी है? इसकी बेटी जवान हो गई और हमें पता तक नहीं। हमारे मोहल्ले में रह के हमसे जो बड़े ईमानदार लगते हो यार। ऐसी कोई बात नहीं है साहब, उसकी इज्जत भी तो अभी आपके हाथ में है। इसकी इज्जत हमारे हाथ में है। आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? उसकी मम्मी घर पर नहीं है। तो अच्छी बात है, चला चला। ए सुन, ये ले। अरे ले यार, थोड़ा सा कांदा भजी खा के आना है? जितना मांगता है उतना कांदा भजी खाना, लेकिन सुन, पूरे एक घंटे के बाद आना। जा हट। क्यों दरवाजा बंद करके रखा है? बेटे दरवाजा खोल। आपको ख्याल नहीं है इतनी जवान बेटी है अंदर, तीन चार गुंडे घुस गए हैं और हाथ जोड़ के बैठे रहने का क्या बाप है आप? कुछ नहीं ले कहीं के, हाथ में चुड़िया पहनो, इससे तो अच्छे है औरत लोग। आप ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठे हैं? क्या फायदा है ऐसे बैठे रहने का? आपको बीबी बच्चे का किसी की इज्जत का ख्याल है कि नहीं? आप जैसे मर्द होने से ना पति ना पुरुष होना अच्छा है। ज्यादा जवान मेरे सामने आती हूँ, मैं पुलिस को अपना के लेके आती हूँ। बोलना बहुत आसान है, कौन रोकेगा उन गुंडों को? जरा सा भी विरोध किया तो काट के फेंक देंगे। बहुत बोलने लगी है। आइए हवलदार साहब आइए, देखिए हमारे घर में गुंडे घुस गए हैं और देखो मेरी बेटी अकेली है घर में। और क्या है ये जुलूम हो गया? देखो तुम देखो, वही निकले, पकड़ लो ये सबको। क्या गणपत, क्या कर रहा है? सलाम साहब, बहुत चर्बी चढ़ेला है। पुलिस चौके में ले जाओ, सबको पकड़ के रखना, छोड़िए मत। सब मिले हुए हैं, ये सब गुंडे हैं, पकड़िए इन लोगों को, छोड़ना मत। हवलदार बनता है, लेके जाइए सबको।
लोगों को साथ दीजिए अंदर। तुम्हें पता है ये सब कौन थे? आखिरों से और तुम्हारी औकात क्या है? मुझे तो पहले से ही मालूम था कुछ होने वाला नहीं है। हवालदार, हम गरीब जरूर है लेकिन इज्जतदार है। इज्जत? तुम्हारी क्या इज्जत है? हमें पता है ये मोहल्ले में क्या गोरख धंधा होता है, हमको सब पता है। बस कीजिए हवालदार साहब, हमें अपनी गरीबी पे छोड़ दीजिए और यहाँ से फौरन चले जाइए। इसलिए आपकी जेबें गर्म होती है ना, इसलिए आप लोगों को सब पता है। तुम जरा शांत रहो, तुम्हें कंप्लेन करनी है ना, जाओ बुलाओ तुम्हारी लड़की को। अभी बुलाती हूँ। आ बेटी आ, बता दे हवालदार को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बता दे। बना नहीं, ती जवान और खूबसूरत बेटी है और कैसे हो, गरीब हो, कौन है बे? इसको छोड़ना मैं दीजिए। चल चल टपोरी, आप हमारी बेटी की इज्जत खराब किया। कर दीजिए इसको, ऐसे ही पुलिस बन के फिरता है, काम तो कुछ करता नहीं है। एक पुलिस पर हाथ उठाने की जुल्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। मुझे इंस्पेक्टर विनोद कहते हैं, बाकी परिचय पुलिस स्टेशन में जाकर दूंगा। चलिए सर। इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी का कोई दोष नहीं, वो हवालदार ने गुंडों को पकड़ा नहीं और हमारी बेइज्जती की। मेरी सुनिए, मैं सच बोल रहा हूं। साहब इसको छोड़ना नहीं, इसने सबके सामने मुझ पर हाथ उठाया है, हमारी बेइज्जती की है। यस सर। इंस्पेक्टर साहब इसकी हाथ कड़ी खोल दीजिए। आज मैं किसी भी हालत में उसे यहाँ से लेकर ही जाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं फिर से कह रहा हूँ इसकी हथकड़ी खोल दीजिए। हट जाओ मेरे रास्ते से। अगर आपको इसे ले जाना है तो मेरी लाश पे से ही जाना होगा। ठीक है तो फिर चलाइए गुड। नहीं भैया नहीं, तुझे मेरी सौगंध, मुझे जाने दे। चलिए साहब। हाँ ले जाओ इंस्पेक्टर साहब, मैं भी देखता हूँ सच्चाई का गला घोटने वाले तुम्हारे हाथ कितने मजबूत। अरे देखते क्या हो, आजमा लो अपनी ताकत जितनी भी है, ले जाओ। यह सरासर जुल्म है, कसूरवार कौन है और सजा बेगुनाह को मिल रही है, इन पुलिस वालों ने हमारी इज्जत का कोई ख्याल नहीं किया। तुम्हें तुम्हारी इज्जत की पड़ी है, हमें हमारी नौकरी की पड़ी है। उन बड़े आदमियों को जो अगर हम पकड़ेंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी, तो क्या तुम हमारे बच्चों को खिलाओगे? हवालदार साहब 20 साल से हम यहाँ नौकरी करते हैं और तुम उन बड़े आदमियों को गलत इल्जाम लगाते हो। उन्होंने तुम्हारी लड़की के साथ रोड में कुछ नहीं किया, जो भी किया है वह घर में किया है और तुम्हारी लड़की ने हमें कंप्लेंट दी है। बड़े आए कंप्लेंट देने वाले, जाओ इतना जल्दी थक गए हैं साहब? साहब को पानी पिलाओ। यू बास्टर्ड! राठौर! यस सर। छोड़ दे उसे। मार खाया फिर भी साला टूटता नहीं है। साहब आपने इसे जाने के लिए। ये क्या हुआ, कितना मारा है, क्या पुलिस के बाप का राज है क्या? तेरी माँ भी ये सब सहती थी लेकिन अब मैं नहीं सहूंगी। थोड़ा अपना ख्याल रखना। कसम तो तुमने चंदा को दी, हमें नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। Thank you.
गिरे, देख लिया अपनी औकात भूलकर पहाड़ से टकराने का नतीजा। आराम जादे, अगर तुझे इस गांव में रहना है तो तुझे मेरे पालतू कुत्ते की तरह मेरे तलवे चाटकर जीना होगा। आइंदा अगर मैंने तेरे सिर को उड़ते हुए देखा तो इस पिस्तौल की सारी गोली तेरे सिर के पार कर दूंगा। चलो। प्रताप सिंह, ये मुलाकात फिर होगी। पहले अपनी तो खैर मना। खैर तो अब तुम मनाओगे। नहीं, कोई इस पर हाथ नहीं उठाना, कोई इस पर हाथ नहीं उठाना। आज तो तुम्हारी जीत हुई है। जाओ, जीत की खुशी मनाओ। सिर झुका के बात कर। यहाँ क्या कर रहा है? काम कर रहा हूँ, दिखता नहीं है क्या? अरे छोड़ इसे, वहाँ जाकर देख, ठाकुर ने आकर सारी जमीन ले ली है मौसी से। क्या? बेटे सुन तो। कुछ नहीं सुनना मुझे। हम फिर से मेहनत करेंगे। क्या मेहनत करेंगे, मेहनत करेंगे? कम से कम मुझसे तो पूछ लिया होता। कब से कह रहा हूँ कि सरकार और कानून हमारे पक्ष में, उस जमीन का पूरा हमारा हक है, लेकिन तुम तो कुछ समझने की कोशिश ही नहीं करते। तू मेरी बात तो सुन। क्या सुनूं? जैसे कोई जमीन कोई बटाटा वड़ा है, किसी ने आके मांगी और तुमने दे दी। भाई भी मुझसे नहीं बोलता, तू भी मुझसे दूर जाने लगा। आखिर मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया? सिर्फ इतना ही ना, गुंडे बदमाशों से अपना पीछा छुड़वाया। तू यहाँ क्यों आई? तुझे लेने। मैं नहीं आऊंगा। तो फिर मैं भी यहाँ बैठती हूँ। ओह, पांव में चोट भी लगी है, ऐसे क्यों दिखता है? मां, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। हाँ हाँ, मुझे मालूम है, बहुत बड़ा हो गया है तू। दो दिन पहले भी मेरी गोद में है है करके रोता था। एक लंबा पैंट क्या पहन लिया तो ना जाने अपने आप को क्या समझने लगा, जैसे मैं कोई हूं ही नहीं। तो क्यों मेरे पीछे आती है? चली जा घर। तू भी चल। आज तो उसके कहने पर तुमने अपनी जमीन दे दी, कल उसके कहने पर अपने घर भी दे दोगी, फिर कहां बुलाओगी मुझे? आखिर तू ये सड़क पड़ी आना है ना। अच्छा होगा कि अभी से रहने लगूं। बेटे मैं जानती हूँ तू किस लिए मुझसे नाराज है, पर मैं भी क्या करती, ये रोज रोज का दंगा। देख बेटे, मेरी तरफ देख, आज भी मुझ में ताकत है, आज भी मैं मेहनत कर सकती हूँ, और आज तो मेरे साथ तुम दोनों भाई हो, हमारा गुजारा किसी भी तरह हो जाएगा। ये लड़ाई झगड़ा बंद कर दे बेटे, मुझे शांति दे। हम ये लड़ाई झगड़ा बंद करते तो तुम्हें शांति मिल जाएगी, हमें शांति मिल जाएगी। तुमने किससे झगड़ा किया, किससे लड़ाई की थी? सूरज, किसी से बेईमानी नहीं की तुमने, किसी से झगड़ा नहीं किया, किसी के साथ कुछ भी नहीं किया, फिर भी तुम्हें जिंदगी भर क्या मिला? सोच के देखो ना, क्या मिला तुम्हें जिंदगी भर? तू जैसा बेटा मिला, मुझे मुझे और क्या चाहिए? एक दिन तूने ही मुझे कहा था, बेटे हमें जीने के लिए हर पल लड़ना होगा, हर पल जूझना होगा, अपना हक के लिए हमें हमें सचेत रहना होगा, और इसी विचार के साथ हमें पाला पोसा, इस काबिल बनाया कि आज हम ये जमीन हम हरगिज नहीं छोड़ेंगे। मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीऊंगी? क्या तुम पर मेरा कोई अधिकार नहीं है? मैं जब तक हूं तुम दोनों को सही सलामत देखना चाहती हूँ, जब मैं नहीं रहूंगी तो कुछ भी करना,
मैं रोकने के लिए नहीं आऊंगी, पर मेरे जीते जी तुम्हें कुछ हो गया तो? हमारा कुछ नहीं हो सकता, ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये तू नहीं, मेरा अहंकार बोल रहा है। ये बात, तू मेरे रास्ते से हट जा। नहीं हटूंगी। अच्छा ठीक है, तुझे वही जमीन चाहिए ना, घर चल, मैं तुझे वही जमीन वापस दिला दूंगी। अब तो ही तुझे शांति, कम से कम ये तो सोचा होता कि माँ ये 5,000 रुपए कहाँ से लाती। आज तेरी जिद के कारण उन्हें अपना मंगलसूत्र तक बेचना पड़ा। तुझे तो ये भी नहीं मालूम होगा कि मंगलसूत्र क्या होता है, और पता के भी क्या फायदा। भैया ये 5,000 रुपया कहाँ से लाऊं, मैं क्या जानू। तुम यहाँ कैसे है? कौन है? गार्ड्स, क्या चाहिए तुम्हें? मेरी माँ का मंगलसूत्र आपके पास है। तो क्या हुआ, 5,000 रुपए का सवाल है? ये रुपया आपको मिल जाएगा। अरे जा जा, बड़ा आया रुपया देने, 5,000 रुपया है, देखा कभी जिंदगी में? नहीं, देखा तो नहीं, पर आप देखेंगे। ठीक है पैसा लेके आना, फिर देखा जाए। देखा नहीं जाएगा, ये आपको लौटाना होगा। अगले मौसम के इसी समय मैं पैसा लेकर आऊंगा। अगर उस दिन आपने वापस नहीं किया तो याद रखना, उस दिन इस धरती पर आप रहेंगे या मैं। तुम हमें धमकी देने आए हो? उस दिन पता चल जाएगा। उस दिन का क्या, पहले आज का तो सोच। देखा सरकार, देखा घर आकर किस तरह अपमान कर रहा है, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता है सरकार, कुछ कीजिए। बड़ा आया मेहनत करने वाला, जमीन से सोना उगाने वाला। अरे 20 साल पहले वैसा ही बाप भी आया था, आखिर में नाम निशान तक नहीं बचा। हाय राम, पर अब बेटा का क्या होगा? एक बार हमारा काम तो हो जाए, दूसरे तो हम बाद में देख लेगा। अरे भाई, इसके कपड़े में अक्ल डालो और समझाओ। तू देखना, ये काम हम करके ही रहेंगे। अरे जा जा, मैंने भी बहुत जमाना देखा है, हाथी घोड़े डूब गए, चीते अब तैरने आए। अच्छा ला। ए, ए, हटा नहीं होगा, मैं बोल देता हूँ। वो अभी नहीं आएगा। भाई कहाँ है, क्यों? वो जो टीले के पीछे बंजर जमीन है ना, उसने वहाँ पे आज से काम शुरू किया है। क्या? अरे माँ, तुम कहाँ जा रही हो, सुनो तो। माँ सुनो तो। सूरज माँ रुको तो, माँ क्या हुआ बताओ तो। माँ, माँ किसने कहा है तुझे ये आने के लिए, अपनी जमीन नहीं मिली क्या, तो फिर यहाँ क्यों आया? ओ माँ, तुम्हें हो क्या गया है? वहाँ मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ वो करना चाहता है। तुम्हें हमारा दोष ही क्या है माँ, किसी और का नुकसान तो हम नहीं कर रहे हैं, अपनी ही जमीन में मेहनत करके हम पैदावार बढ़ाना चाहते हैं। मुझे नहीं चाहिए ऐसी मेहनत, नहीं चाहिए पैदावार। आखिर क्यों? देख चंदा, पागल मत बन, मेहनत के लिए कोई जगह होती है। पत्थरों से भरी हुई इस बंजर जमीन में ना कभी फसल उगा है और ना ही उग सकता है। मैं ये नहीं मानता, ऊपर ऊपर दिखाई देता ये सारे पत्थरों के नीचे वही उपजाऊ जमीन मिलेगी। मैं अपनी मेहनत और लगन से उस मिट्टी तक पहुंचूंगा और इस दुनिया को दिखा दूंगा कि मेहनत वालों की ताकत हो तो उसकी रोटी कोई छीन नहीं सकता है। माँ मैं ये नहीं मानता, ये सारे पत्थरों के नीचे वही उपजाऊ जमीन मिलेगी जो फसल उगा सकती है। मैं अपनी मेहनत और लगन से उस मिट्टी तक पहुंचूंगा। क्या सोच रही हो माँ? बेटे उसे यहाँ से बाहर ले जाए, मैं नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती। चिंता ना कर, तू जो नहीं चाहती वो काम हम कभी नहीं करेंगे, लेकिन आखिर बात क्या है, कुछ ना कुछ बात तो जरूर है जो तू हमसे छुपाना चाहती है। हाँ मुझे भी मालूम है माँ, नहीं तो तू नहीं आती। क्या बात है बता दे माँ। तुम्हारे पिताजी भी इसी जमीन से फसल उगाने का सपना देखते थे,
और एक दिन वो घर से निकले थे और फिर कभी नहीं लौटे। सच क्या है मैं नहीं जानती, पर इसी जमीन के कारण मैंने अपना सुहाग खोया है। अब बेटा खोना नहीं चाहती, बेटा खोना नहीं चाहती। ठीक है माँ, ऐसा ही होगा। पर तेरा भाई होश में आए तब ना। होश तो आ गया है माँ, मुझे क्या मालूम था कि पिताजी की भी यही इच्छा थी। अब तो मैं ये काम करके ही रहूंगा। सुना तूने सुना, हमेशा ये अपनी ही मनमानी करेगा। अपनी बूढ़ी माँ के लिए इसके दिल में कोई जगह नहीं है। माँ मैं जो कुछ भी करता हूँ सिर्फ तेरे लिए करता हूँ। तो मैं जब कह रही हूँ तू क्यों नहीं सुनता? अच्छा सुनूंगा, जरूर सुनूंगा। तू जो बोलेगी वो ही मैं करूँगा। लेकिन एक बात बता दे, क्या तू नहीं चाहती पिताजी की ये अंतिम इच्छा पूरी हो? चाहती हूँ, पर चाह के भी क्या करूँ? ये काम क्या अपने बस का है? नीचे मिट्टी तक पहुँचने के लिए बड़े बड़े पत्थरों को हटाना होगा, और वो भी इतनी बड़ी जगह। इसके लिए हमें आधुनिक मशीनों की जरूरत है, हमारे पास कहाँ है? इस काम को पूरा करने के लिए दुनिया में किसी के पास वो हथियार वो मशीन नहीं है माँ जो हमारे पास है, और वो सिर्फ तू ही मुझे दे सकती है। मैं? मेरे पास क्या है? मैं तुझे क्या दे सकती हूँ? बस माँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देखना मैं पिताजी का ये सपना पूरा करूंगा, तो कोई चिंता नहीं करना। भैया माँ को ले जा। चलो माँ। जा माँ, चिंता नहीं करना, मैं शाम को लौटाऊंगा। बेटे मुझे बड़ी चिंता होगी। तू चिंता नहीं करना माँ, शाम के पहले घर लौटना। लौटाऊंगा। सावधान रहना, और कोई भी बात हो पहले मुझे बताना। बताऊंगा माँ। घर लौटने तक मुझे चैन नहीं होगी। फिक्र मत करना माँ, मैं लौट आऊंगा घर। पिताजी मुझे आशीर्वाद दीजिए। पिताजी गाड़ी क्यों रोक दी? तुम तो देखते ही रह गए हो। कुछ हुक्म तो करो। उठा के लाऊं क्या? नहीं यार, आज कोई और खेल खेलते हैं। क्यों नहीं इस लड़की के सारे कपड़े खुलकर भगाया जाए? अरे ये हुई ना बात। आधा घंटा हो गया अभी तक बस नहीं आई। देखो सामने से कुछ लोग आ रहे हैं, शक्ल से गुंडे लगते हैं, उनके मुंह मत लगना, बाकी मैं देख लूंगी। हाँ आए जान। क्यों बे, चर्बी हो गई है क्या ज्यादा? ए ज्यादा आवाज करने का नहीं, चप्पल उतारू क्या? उतारू क्या चप्पल? ए घर में माँ बहन है क्या? नहीं तुम्हारे है क्या? नहीं माँ बहन तुम्हारे? अरे हट नहीं है क्या रे? बहुत दादा हो गए। अरे ज्यादा आवाज करना नहीं, नहीं तो चप्पल उठा के मारूंगी तो सुधर जाओगी। अरे जा तेरी तो। मैं भी पुलिस को लेकर आती हूँ, फिर तुम्हारी दादागिरी एक ही बार निकालती हूँ, समझे ना? तेरी माँ बहनों की इज्जत है क्या? लड़कियों को छेड़ता है। टिकट निकाल भाई। क्या तेरे को? भाई साहब, भाई साहब जल्दी चलिए, मेरी सहेली को कुछ गुंडे छेड़ रहे हैं, जल्दी चलिए ना आप। चाहिए आप पुलिस स्टेशन में? तो आप किस लिए हैं? उसको अड्डे पे लेके आओ। भाई साहब, भाई साहब जल्दी चलिए, वहाँ पर कुछ गुंडों ने मेरी सहेली को पकड़ रखा है। आगे से मैं बोली तो मुझे ही दादागिरी बता रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? त्रिजा फर्नांडिस। हिंदी में बोल। हिंदी में ही तो बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है चलो अंदर, हम अभी देखते। भाई साहब जल्दी कीजिए ना। ठीक है कहाँ खड़ी थी तुम? बस स्टॉप में। क्यों खड़ी थी वहाँ? ट्यूशन आने के लिए। क्यों ट्यूशन जाना था? पढ़ने के लिए। क्यों पढ़ने जाना था? एग्जाम है। कहाँ है एग्जाम? कॉलेज में। अरे भाई साहब अब आप जल्दी भी कीजिए ना, वहाँ पर मेरी सहेली की जान जब खतरे में और आप वालों के साथ। ज्यादा आवाज मत करो। कैसे छोड़ दो जानी, अब तो शुरुआत है। भाई साहब आप मुझसे क्यों भड़क रहे हैं? कितने गुंडे थे? 8-10। उनका नाम क्या है? मुझे नहीं पता। एड्रेस क्या है उनका? मुझे क्या पता, आप चल के पूछ लीजिए। ज्यादा आवाज मत करो। अरे भाई साहब आप मुझसे क्यों भड़क रहे हैं? सब देंगे नहीं तो तमाशा कैसे जमेगा?
बस स्टॉप कहाँ आया? टाटी के पीछे। वह इलाका हमारा नहीं है। तो फिर किसका आता है? वहाँ जाके कंप्लेंट करो। अरे भाई साहब, आप कैसे हवलदार है? आपको ही नहीं पता, और किसको पता होगा? क्या हुआ? कुछ नहीं यार, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं कंप्लेंट लेने के लिए। अरे चल प्रताप, ये रही। देखा, अब तुझे मैं छोड़ दूँ? नहीं जाऊंगा। भगवान के लिए मुझे बचा लीजिए, भगवान के लिए मुझे बचा लीजिए, भगवान के लिए मुझे बचा लीजिए। आओ हीरो आओ, तुम्हें तो इनाम मिलना चाहिए तुम्हारी इस बहादुरी के लिए। तुम पहले ऑफिसर हो जो मेरे अड्डे तक पहुंच पाए और हमारे राज को जान सके। जब आ ही गए हो तो हमसे समझौता किए बिना यहाँ से जा नहीं सकते। मैं जाऊंगा और तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। एक बार नजर घुमा के देख लो। लहन, इसका टिकट निकाल, बहुत हीरो बन था। बोलो अब नजर कहाँ घुमाऊं? इंस्पेक्टर मान जाओ, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। इंस्पेक्टर मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा, मान जाओ। इंस्पेक्टर मान जाओ। इंस्पेक्टर उतार तेरे कपड़े, उतार। पानी मत देना साले को। बास्टर्ड, दे दूंगा। तू बास्टर्ड। किसने अरेस्ट किया प्रताप को? बड़े साहब। ऑफिसर, तुम जानते हो वो कौन है? वो मेरा लड़का है और हम हैं यहाँ के राजा। हम यहाँ किसी की भी जान ले सकते हैं, किसी को भी लूट सकते हैं और किसी लड़की पर रेप भी कर सकते हैं। यह हमारा हक है और यहाँ यही होता आया है। मेरा लड़का नौजवान, अगर उसके दिल ने चाहा किसी खूबसूरत लड़की को सड़क पे नंगा करके अपने दोस्तों के साथ तमाशा देखे तो उसमें तुम्हें क्या तकलीफ होती है? तुम्हारा काम है हमारी मदद करना, हर काम में हमारा साथ देना। ये बयान आप कोर्ट में दीजिएगा। कोर्ट में जाए तेरा बाप। तू क्या समझता है खुद को? खाकी वर्दी पहन लिया, मेरा शासक बन गया। कौन रोकेगा मुझे? तू, तेरा पुलिस। सरकार, सरकार आप शांत हो जाइए। आप तो जानते हैं ये सब कौन सा जात है और हम इसके लिए रोटी लाए हैं। जब तक मुंह में नहीं जाएगा भुगतना ही रहेगा। सरकार आप शांत हो जाइए। नमस्ते हुजूर, गलतियां माफ कीजिएगा माय बाप। अरे हम तो भूल ही गए थे। ये लीजिए, हमारे सरकार की तरफ से। अब तो खुश है ना? चिंता ना कीजिए, अभी से हर महीने में ये प्रसाद आपको मिल जाएगा। हुजूर, अब भी हमारा थोड़ा ख्याल रखिएगा। ठीक है, ठीक है। गुस्सा हमने भी किया, गुस्सा तुमने भी किया। चलो गुस्सा थूक डालो और मिला लो हाथ। यू आर अंडर अरेस्ट। चल। बड़े ठाकुर और छोटे ठाकुर का रिलीज ऑर्डर। आप बैरिस्टर अग्रवाल। ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। पुलिस कमिश्नर के आदेश के बिना राज परिवार के सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, चाहे वो कोई भी अपराध करे। अपराध वे नहीं करते, वे अपराधियों को दंड देते हैं। मैं ये नहीं मानता। आपके मानने या न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी ड्यूटी है कानून की रक्षा करना। आपने उन्हें गिरफ्तार करके कानून का उल्लंघन किया है, आप पर केस बन सकता है। बनाओ
केस, कर दो अंदर, चला दो फांसी पे, जो जी में आए करो, लेकिन मैं उन अपराधियों को नहीं छोड़ूंगा। सुना तुमने? मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। जाओ, तुम जाओ। फिर तो मुझे कमिश्नर साहब से संपर्क करना पड़ेगा और वह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। नौजवान ऑफिसर, जोश में आकर आपने पुलिस की वर्दी तो पहन ली, पर पहला पाठ नहीं सीखा और शायद सीखना भी नहीं चाहते। सीखोगे, सब कुछ सीखोगे। जो कल नहीं जानते वो आज जान जाओगे। पुलिस में नौकरी करोगे और रिश्वत नहीं लोगे, सच्चाई को झूठ में नहीं बदल दोगे तो उल्टी गंगा नहीं बहेगी। हाँ हाँ, शुरू शुरू में हर कोई ऐसा ही सच्चाई और ईमानदारी का भाषण देते हैं, लेकिन बाद में हमारे रास्ते को अपनाना पड़ता है। तुम भी अपनाओगे, हम तुम्हें सिखाएंगे कैसे रिश्वत लेते हैं। ऐसे ऐसे बस, बड़े क्लब्स भी निकाला। तो मैं तो नौकर हूँ हुजूर, मुझे तो डांट रहे हैं। यस सर, आपका इंस्पेक्टर तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। व्हाट? आई एम जस्ट कमिंग। मैंने तुम्हें यहाँ बदमाशों पर काबू पाने भेजा था, शरीफों की इज्जत पर हमला करने नहीं। ये दोनों ही अपराधी हैं सर, मैंने रंगे हाथ पकड़ा। क्या तुम जानते हो ये लोग कौन हैं? सच्चाई की रोशनी में और कानून की नजर में एक खतरनाक अपराधी है जिनके खिलाफ केस तैयार है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? खुलेआम सड़क पे एक लड़की को बेइज्जत की गई और पुलिस स्टेशन में आकर एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर को अपना अपराध छुपाने के लिए रिश्वत देने की कोशिश की। ये देखिए सर, और इसकी चश्मोदीद गवाह है सब इंस्पेक्टर चौधरी और कांस्टेबल दत्ता। हाय हाय हाय, कितनी शर्म की बात है, इतना बड़ा झूठ। अभी अभी ये रुपया अनाथ आश्रम के लिए बैंक से निकाला गया था और इसी को रिश्वत बना दिया। तोबा तोबा, क्या कलयुग आ गया, आप ही देख लीजिए हुजूर। क्या ये सच है? नहीं सर, नहीं सर। सुन लीजिए हुजूर, परख लीजिए हुजूर। शर्म नहीं आती? किसका है तुम्हें? अगर तुम्हें सच बोलने की हिम्मत नहीं है तो क्यों पहन रखी ये वरी, क्यों लगा रखा ये बिल्ला, उतर के फेंक दो। सर सर, ये लोग झूठ बोल रहे हैं सर, ये दोनों होश में नहीं है सर, और मुजरिम के हाथों बिके हुए हैं सर, आप मेरा विश्वास कीजिए सर। अच्छा, वो लड़की कहाँ है? चलिए आपको बुलाए। तुम्हारे साथ किसी ने गैर व्यवहार किया है? नहीं। तुम्हारी किसी ने बेइज्जती की है? नहीं। फिर क्या शिकायत है तुम्हारी? कुछ नहीं। फिर आप पुलिस स्टेशन में क्यों आई? मालूम नहीं। तुम जा सकती हो। अब भी कुछ कहना है? सर सर, ये सब झूठ है सर, ये लड़की भी इनके साथ मिली हुई है सर, आप मेरा विश्वास कीजिए सर, यहाँ की हर कोई इनके हाथ बिके हुए है। बंद करो ये बकवास, मैं बहुत सुन चुका हूँ। किसी को मुजरिम ठहराने के पहले कोई सबूत, कोई गवाही। सर, रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए तो कहाँ होगा सबूत, कहाँ से लाऊं गवाहियाँ? बाहर की चोर गुंडे बदमाशों से लड़ सकता हूँ, जुझ सकता हूँ, पर घर में ही अगर चोर पैदा हो जाए तो कैसे निभाऊ अपना ड्यूटी? पैसा पैसा सबको खरीद लिया है, पर कानून की नजर में एक गुनेगार बेकसूर तो नहीं बन सकता ना। ये दोनों यहाँ रंगे हाथ पकड़े हुए हैं और आप पूछ रहे हैं सबूत कहाँ है, गवाहियाँ कहाँ है। अगर सचमुच आप यहाँ की माहौल बदलना चाहते हैं तो इस चौकी पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर होने वाले हर जुल्म को खत्म करने के लिए मुझे खास अधिकार दीजिए। हाँ सर, मुझे खास अधिकार दीजिए। आपके सुझाव पर फिर कभी सोचेंगे, आप दोनों को रिलीज कर दो। आई एम सॉरी सर, क्रिमिनल ऑफेंस दोनों ही मामले में गंभीर है, केस भी बन चुका है, इसलिए उन दोनों को कोर्ट में हाजिर किए बिना उनकी रिलीज ऑर्डर मैं साइन नहीं कर सकता। दिस इज माई ऑर्डर। फिर ये काम आप ही कीजिए सर। ठाकुर साहब, पुलिस डिपार्टमेंट की किसी गलती से आपको बहुत तकलीफ हो गई है, हम लोग शर्मिंदा है, आइंदा ऐसी तकलीफ कुछ नहीं होगी, आपके लिए सारा बंदोबस्त रखेंगे। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए यंग मैन,
You are always strong. Sorry for the trouble. नमस्ते हुजूर, सच तो ये है आप है तो हम है, थोड़ा ख्याल रखिएगा। नमस्ते हुजूर, नमस्ते। आपका ट्रांसफर ऑर्डर एक घंटे के अंदर आ जाएगा, आप तैयार रहना। नहीं सर, ऐसे मत कीजिए सर। नहीं चाहिए मुझे ऐसी नौकरी। मैं दिन रात चोर गुंडे बदमाशों से लड़ता हूँ, अपने जान को खतरे में डालकर लोगों की सेवा करता हूँ, और उसका यही ना मिलता है, आज यहाँ तो कल वहाँ, जैसे मैं कोई कठपुतली हूँ। अब इस तरह मैदान छोड़कर मत जाइए सर, आपको लोग बुजदिल कहे मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये पहन लीजिए सर, और यहाँ से जाने से पहले अब ठान लीजिए यहाँ आपको वापस आना है। हम जानते हैं आप सच्चे हैं, और जीत अवश्य आपकी होगी, हम सब आपके साथ हैं। क्या इंस्पेक्टर, ईमानदारी की छुट्टी हो गई? चोर पुलिस की इस खेल में हार जीत तो होती रहती हुई, पर कसम इस वर्दी की ठाकुर साहब, आज नहीं तो कल आपकी उन हाथों में हथकड़ी लगाकर अगर फांसी के तख्ते तक ना पहुंचाया तो मेरा नाम इंस्पेक्टर विनोद नहीं। हाथी घोड़े डूब गए, अब चिंटी तैरने लगी। क्या बात है, सूरज ने फिर से कुछ किया है? नहीं, गलती तो मुझसे हो गई थी। आप उसे कह दीजिएगा मैं अपनी किए पर शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं, दरअसल शुरू से ही मुझे गलत फहमी में रखा गया था, और जब मुझे सच्चाई का पता चला और मैं कुछ कर पाता तो ये ट्रांसफर ऑर्डर आ गया। मगर जाने से पहले इतना वादा करके जाता हूँ कि आज नहीं तो कल इंसाफ आपको जरूर दिलाऊंगा, ये मेरा वादा रहा। छोटे मालिक, वो लड़की जिसने पुलिस चौकी में कमिश्नर साहब के सामने हमारे पक्ष में बयान दिया था, अब इनाम मांग रही है। क्या कहूँ लखन, छोटे मालिक उस लड़की को खत्म कर दो और लाश ठिकाने लगा दो। ऐसा ही होगा छोटे मालिक, किसी को पता न चले। और सुन, ये काम किसी और से करा लो। आप बिल्कुल फिक्र न करें मालिक, गोली सिर्फ पैर पे लगी है, छाती पर नहीं। तुम जैसे राजकुमार के होते हुए किसी की मजाल है कि इस ठाकुर खानदान को मिटाने का सपना देखे? हमें तुम पर नाज है बेटे, जीते रहो। वो लड़की तो ठिकाने लग गई, पर वो इंस्पेक्टर का क्या होगा? प्रताप, उसे भी हमें ठिकाने लगाना होगा, उस इंस्पेक्टर का ट्रांसफर हो गया। तो क्या हुआ, हम सब सहले? ना, सबक सिखाए बिना हम उसे जाने नहीं देंगे। वो ड्यूटी पर भी नहीं है। अटैक करूं क्या? प्रताप, जो गया उसे भूल जाओ, और जो आ रहा है उसके बारे में सोचो, और साथ साथ हमें उस सूरज को भी ठिकाने लगाना होगा। अब हम अपने सारे कारनामा का ठप्पा उस हरामजादे सूरज पर लगा देंगे। ए हुई ना बात। तो इस बात पर मिला हाथ प्रताप। मैंने रुपया लाया, मुझे वो मंगलसूत्र वापस चाहिए। कहाँ है पैसा, निकालो। पूरा 5,000 रुपया है। नहीं, तुम ये रुपया यहीं गिनो। अच्छा, एक। क्या गाना गा रहा है, कुछ पता भी है? क्या हुआ, क्या क्या हुआ? सूरज सारे पैसे लेकर मंगलसूत्र छोड़ाने हवेली गया है। क्या? और ठाकुर ने हवेली में गुंडों को भी बुला रखा है। मैं वास्ते जाकर लोगों को खबर करता हूँ। क्या करूँ? पैसा रख लो। पैसा तो रख लिया। और उसे बोलो आज मुझे टाइम नहीं है। हाँ।
फिर कभी आके मिले। मुझे अभी चाहिए। यू बस्टर्ड कहा है वर्कर। ए सूरज यू बस्टर्ड। आप मुझे देंगे या नहीं? आवाज ऊंची नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं पिताजी। आज इस हराम जादे की गर्मी मुझे निकालने दीजिए। है ना प्रताप? ठाकुर साहब आपकी हवेली को हम लोगों ने चारों तरफ से घेर रखा है और पुलिस भी हमारे साथ है। कुछ समझे आप? अपने लाडले को समझा दीजिए, कहीं ऐसा ना हो इसके नादानी के कारण आज आपके रियासत का आखिरी दिन हो। ठहरो प्रताप। प्रताप ये है, ये हमारा है, ये देखना ठीक है क्या? वही है क्या जिसे माँ पहनती थी? ठीक से देखना। ठीक है चल। आज पिताजी के कारण तू बच के हराम जादे, जब दूसरी बार मुलाकात होगी तो तुम मेरे हाथ से बच नहीं पाएगा। पीछे से भोंकने वालों का जवाब नहीं देते सूरज। इतना ही शौक है तो आ जाना मैदान में, देख लूंगा। पिताजी उसे जाने दिया आपने? भैया ये माँ को जाके दे दे, ये तू ही ले जाके दे देना। नहीं मैं नहीं जाऊंगा। अरे तेरी मेहनत की कमाई से तूने इसे छुड़ा लाया। वो कुछ भी हो मैं नहीं जाऊंगा, तू जाके दे दे। अरे माँ को तेरे हाथ से लेने में इससे ज्यादा खुशी होगी। क्यों? तुझे जन्म में क्या होता है? लेकिन मैं क्यों जाऊं? हमेशा तेरी बात मैं सब मानता हूं और तू एक मेरी नहीं मान सकता है। मैं नहीं जाऊंगा। सूरज ये क्या, ये मंगलसूत्र तो तुझे लेकर जाना चाहिए था। मौसी कितनी खुश होती थी। नहीं मेरे कारण माँ को कभी खुशी नहीं होती। मैं ले जाता तो माँ यही सोचती मैं जबरदस्ती छीन के लाया हूँ, चोरी की, मारा मारी की। आपको मालूम नहीं है मेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं है। भैया बहुत अच्छे, भैया के बारे में माँ कभी ऐसा नहीं सोचेगी। लेकिन तू ऐसा काम करता ही क्यों? ये मारपीट, ये दंगे फसाद। नहीं करूंगा। एक बार मुझे पिताजी मिल जाए। पिताजी? पता नहीं मेरा दिल क्यों कहता है, मुझे हर पल ऐसा लगता है कि पिताजी जिंदा है, और वो कहाँ है, किस हालत में है, ये सिर्फ ठाकुर जानता है। एक बार मैं उन तक पहुंच जाऊं, पिताजी को छुरा के लाऊं, फिर भैया को लेकर माँ और पिताजी के साथ हम दूसरे कोई गांव में चले जाएंगे। किसी पर मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, मारामारी नहीं करूंगा, आप जो बोलेगी वही करूंगा, लेकिन कुछ भी इससे पहले नहीं। अब हम तेरे साथ हैं। ये तुझे कहां से मिला? घबराओ मत, चोरी नहीं की है, ये सब सूरज के मेहनत का फल है। माँ नए खेत की फसल उसने ठेकेदार को बेच दी है, 5,000 रुपए एडवांस में मिले थे, ये रकम उसने ठाकुर को देकर ये मंगलसूत्र छुड़वा लिया। ये तो क्या कह रहा है? और हाँ ठेकेदार ने कहा है कि बाकी रकम भी कुछ ही दिनों में मिल जाएगी। मैं चलता हूँ। सुन ठाकुर ने ये मंगलसूत्र ऐसे ही दे दिया? चंदा मुझसे कुछ न छुपाना, तुझे मेरी सौगंध। सौगंध मत दो माँ, तुम अच्छी तरह से जानती हो ठाकुर कितना नीच और कमीना आदमी है। उसने हमसे पूरे पैसे वसूल करने के बावजूद हमारे स्वागत के लिए गुंडों का इंतजाम कर रखा था, लेकिन उन किराए के गुंडों में इतना दम नहीं था कि हमारा सामना कर सके। आखिर ठाकुर को ये मंगलसूत्र ऐसे ही लौटाना पड़ा और हम भी लेकर चले, और कुछ नहीं हुआ। मैं चलता हूँ। सुन तेरा भाई कहाँ है? अभी अभी तो था मेरे साथ में, अभी होगा यही कहीं। उसे मेरे पास भेजना, बोलना मैंने बुलाया। ठीक है। बड़े ठाकुर का ये काम तो मैं कर दूंगी, लेकिन उसका मुझे क्या फायदा मिलेगा? राज रानी बनने का गौरव, ये तो मौका है। ठाकुर परिवार का सबसे बड़ा काम तुम कर दो और जीत लो प्यार की बाजी। प्रताप से शादी करके जिंदगी भर आयश करना। इतने अच्छे हो सरकार। कुछ दिनों से देख रहा हूँ अब बड़े उदास हो गए हैं, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। चले पे नमक मत छिड़को, मुझे थोड़ी देर के लिए आराम करने दो, जाओ। क्षमा कीजिए सरकार, आज के इस स्थिति में भी अगर मुझे सेवा का मौका ना मिले तो धिक्कार है मुझ पर, जबकि मैं जानता हूँ इसका कारण क्या है। मुझसे आपकी ये हालत देखा नहीं जाता सरकार, इसलिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढता ही रहता हूँ। और आप भी सोचिए सरकार, जो औरत अपने दूर पीते बच्चे की जिंदगी की परवाह किए बिना भरी नदी में छलांग लगा सकती है,
कितना तेज है उसका स्वाभिमान और इज्जत की भावना, और यही वो कांटा जो बरसों से हमारे अंदर चुभ रहा है। सरकार, दुनिया का रिक्त है कांटे से ही कांटे निकाला जाए, जहर से ही जहर मिटाया जाता है। इसलिए हमें अनुमति दीजिए, कांटा मैं आपके सामने पेश करूं। तुम? हाँ सरकार, आपने याद तो किया पर बड़ी देर से। ये क्या बकवास है? मैंने कोई याद नहीं किया। तुम जैसी औरतें मैंने बहुत देखी है। गुस्ताखी माफ हो। हाँ, औरतें तो आपने बहुत देखी है, लेकिन इन्हें पहचाना नहीं है। क्या कर सकते हो तुम? मैं वो कर सकती हूँ जो पिछले 20 सालों में आप और आपकी तमाम शक्तियाँ मिलकर नहीं कर सकी। विश्वास नहीं हो रहा है, सिर्फ 20 दिनों में आप देख लीजिए। मुझे सेवा करने का मौका दीजिए। क्या रूपा, क्या ये तेरी मस्ती है हमेशा कुछ? आज कितना हसीन मौसम है। हसीन है ना? इस तरह तेरी बदनामी नहीं होगी क्या? अरे बदनामी से क्या डरना, 2 दिन बाद तो हमारी शादी है, फिर लोग क्या कहेंगे? मस्ती नहीं, कुछ नहीं है, शादी है, 2 दिन बाद शादी है। क्यों, मौसी ने कुछ कहा क्या? माँ ने कहा है कि भैया की शादी होगी, मेरी नहीं। ऐसा क्यों? भैया ने पढ़ाई लिखाई की है, मैंने नहीं की। माँ ने कहा है कोई भी लड़की मुझसे शादी नहीं करे। कौन कहता है? मैं करूँगी, चिल्ला, मैं मौसी से कहती हूँ। एक मिनट रूपा, तू माँ को जाकर कहेगी? हाँ कहूँगी, चिल्ला, मैं कहती हूँ। एक मिनट सुन, तू माँ को जाकर क्या कहेगी? मैं पहले जाके मौसी के पैर दबाऊँ। अरे रहने दे, पैर दबाएगी तू, माँ तुझे देख के सब समझ जाएगी, माँ ऐसी पटने वाली नहीं। मैं कुछ भी कहूँगी, चल तो सही, चिल्ला चिल्ला, चल चल जल्दी चल। एक मिनट रूपा, एक मिनट देख, माँ जब नहीं चाहती तो मैं ये शादी नहीं करूंगा। रूपा, तुझे मालूम नहीं है माँ ने मेरे लिए कितनी कठिनाइयां उठाई है। हम दोनों भाइयों को पालने के लिए माँ ने क्या क्या कष्ट उठाया है। माँ जब नहीं चाहती तो मैं ये शादी नहीं करूंगा। देख रूपा, शादी नहीं हुआ तो क्या हुआ, तू तो मेरी है। देख, मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता हूँ जिससे माँ के दिल में और भी तकलीफ हो, और ऐसा काम तू भी नहीं करना। नहीं करूंगी। इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में हम जरूर मिलेंगे। रत्ना भाई! ओ तुम चिंता मत करो, तुम्हारा काम शुरू हो गया है, चलो अंदर आओ। तू मेरे को समझता क्या है, मैं दारू पी नहीं सकता हूँ, ठीक है 10 रुपया दूंगा। पकड़ पकड़ साले को, छोड़ा इस साले को। उसका कुछ नहीं, वो क्या, वो लोगों ने मेरे को बोला है तू दारू पी नहीं सकता। क्या बचपन है सूरज, क्या लगा रखा है, छोटे बच्चा हूँ क्या, वो लोगों ने मेरे को बोला है। चल घर चल। एक बटली पैसे, सब मजाक सोच रहा है अभी, वो आजकल अपने आपको बहुत शाना समझने लगा रहा। मैं क्या है, वो लोगों ने मेरे को पैसा नहीं दिया, मेरे को उल्लू बोला। अबे चल, तेरे को घर में बताता हूँ। क्या है, मेरे को पैसा नहीं दिया, वो लोगों ने मेरे को पैसा नहीं दिया। जैसा आपने कहा था बिल्कुल हमने वैसा ही किया, मेरे आदमियों ने सूरज को फुसला फुसला कर बहुत दारू पिला दिए, उसकी हालत बहुत खराब है। हाँ माँ, मैं ले लेता हूँ। क्या हुआ सूरज को, वो लेटा क्यों है? कुछ नहीं माँ, वो थोड़ा सा खेत में काम कर रहा था तो गिर गया। कैसे गिरा? कुछ नहीं माँ, वो थोड़ा सा थक गया है माँ, तुम्हें छुटकी मौसी बुला रही थी माँ। तू चल माँ, देखने दे मुझे। क्यों रो रही हो माँ? वो तो गलती से और अनजाने पी लिया, सूरज ना समझे माँ, उसे तो ये भी नहीं मालूम कि दारू क्या चीज है, ये तो उन लोगों ने सब हैला फुसला के पिला दिया। मैं ये वादा करता हूँ माँ, सूरज आज के बाद कभी दारू छुएगा भी नहीं, केवल बुरा संग ही ये सबकी जड़ है। तुम चिंता मत करो, मैं उसे संभाल लूंगा। अरे वो क्या संभालेगा, वो नहीं जानता मैं कौन हूँ। चिंता मत करो डार्लिंग, आगे देखते जाओ। रत्ना सुनो, तो दिखाता है तू ऐसा, क्या मैं ऐसी वैसी लड़की हूँ, मेरी मदर नहीं है, उसको जाके कहना। क्या बात है बेटी? देखो ना माँ जी, मुझे कहता है मेरे साथ चल, मैं तुझे पैसा दूंगा, इसकी माँ भी ऐसी होगी,
केसी माँ नशा बेटा। मैंने ऐसा कब कहा? कमाल है, बाप माने तो पैदा करके ऐसे ही छोड़ दिया। साला नालायक, फिर से कभी ऐसा किया तो चप्पल उठा के मारूंगी, देख लेना। अब देखो मेरी आखिरी चाल, फिर हमेशा के लिए तुम्हारा दुश्मन खत्म हो जाएगा। फिर मैं और तुम, हम दोनों शादी करेंगे, अपना घर बसाएंगे। लेकिन डार्लिंग, आजकल तुम मुझे जरा भी प्यार नहीं करते। प्यार? प्यार तो मैं तुम्हें इतना करूंगा कि तुम सारी दुनिया भूल जाओगी, बस तुम मेरा काम करती जाओ। तुम कैसे हो छोटे मालिक, कुछ समझते ही नहीं? नहीं मामा जी, मुझे छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, मैं आपके सामने हाथ छोड़ दी हूँ, मुझे मर जाने दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, देखिए क्या हाल बना दिया। इंस्पेक्टर साहब, ये उन दोनों लौंडे की माँ है, गिरफ्तार कीजिए, गिरफ्तार कीजिए। क्या बात है इंस्पेक्टर? आपका बेटा सूरज कहाँ है? कहाँ है? मैं उसे गिरफ्तार करने के लिए आया हूँ। अब थोड़ी देर रुक जाइए, सूरज अभी आने वाला है, मैं खुद उसको आपके हवाले करूंगी। यहाँ से इंसाफ के बगैर नहीं जाएंगे, मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं आखिर में चीफ मिनिस्टर तक जाऊंगा। आप फिक्र मत कीजिए, उसके गुनाह की सजा उसे जरूर मिलेगी। हवलदार ले जाओ इन्हें। चलिए चल बेटी, चल, 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 चल। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, क्या तुम ही सूरज हो? बहुत हो चुका है, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। तुझे अपनी की सजा मिलनी ही चाहिए। भैया आप जल्दी चलिए ना। क्या हुआ? क्या चलिए तो सही। इंस्पेक्टर ले जाइए इसे, और कितनी भी कड़ी सजा हो इसे दीजिए, आज से मैं समझूंगी मेरा एक ही बेटा है। माँ, भाई कहाँ है? हवाला। उसका कसूर? जाके खुद ही पूछ ले। आज तक मैं ये सारा बर्दाश्त करते आया सिर्फ तुम्हारी खातिर, पर आज मेरे भाई को कुछ हो गया, तुम्हारी सौगंध माँ, मैं इनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपनी भाई की वकालत करने से पहले जाके उसका कारनामा दे। कारनामा किसका है ये साबित करने के बाद ही मैं तुम्हें अपनी शक्ल दिखाऊंगा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ बहन जी, आपने सूरज को घर से बाहर निकाल दिया, पुलिस के हवाले कर दिया। ये मुझे बहुत पहले ही करना चाहिए था। लेकिन उसने किया क्या था? अब तो शराब पीने लगा था। ऐसी बात ना करो बहन, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ, मैं नहीं मानता। सिर्फ इतना ही नहीं, और की बेइज्जती करने लगा था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो मैंने अपनी आंखों से देखा, क्या ये सब झूठ था? जरूर जरूर तुम्हें कोई धोखा हुआ है। आप ही ने कहा था बचपन से वो पिगड़ा हुआ था, पढ़ाई में दिमाग नहीं था, आपने स्कूल से निकाल दिया था, क्या ये झूठ था? हाँ हाँ, ये भी झूठ था। अब मैं तुम्हें कैसे कहूँ, मुझे आज भी वो दिन याद है। क्या अच्छा आदमी बनने के लिए पढ़ाई करना बहुत जरूरी होता है गुरु जी? भाभी मुझे हमेशा यही कहती है, अच्छा आदमी तो मैं जरूर बनूंगा, और इधर हम पढ़ाई करते रहे और उधर मैं काम करते करते बीमार पड़ गई तो? नहीं गुरुजी, मुझे पहले माँ चाहिए, पढ़ाई नहीं। वो दिन मैं एक मासूम के दिल में अपनी माँ के लिए जो प्यार देखा, उसके सामने मैं हार गया और तुमको झूठ बोल दिया। दुख की बात तो यह है बहन कि तुम भी अपने खून को नहीं पहचान सकी, और दुश्मन की चाल में आकर तुमने अपने को ही ठुकरा दिया। आज के संसार में ऐसी औलाद तो बड़ी मुश्किल से मिलती है बहन, जो हर पल अपनी माँ का प्यार, उनका संस्कार, इसका ख्याल करे। तुम अपनी आत्मा से पूछ कर देखो, तुम्हारा सूरज कभी ऐसा काम कर सकता है, ऐसा बहक सकता है? नहीं बहन नहीं, मैं जानता हूँ वो बड़ा स्वाभिमानी है, तुमसे ठोकर खाकर वो कुछ भी कर सकता है। हे भगवान, रुक जा, मैं कहता हूँ रुक जा, तेरा क्यों नहीं रुक जा। कमाल डार्लिंग कमाल, तुमने तो कमाल कर दिया अपने काम से, डैडी भी बहुत खुश है। वाह, मेरी तबीयत खुश कर दी तुमने, बोलो क्या मांगती हो तुम? बोलो। हाँ हाँ मेरे जान, बोल के तो देखो। पहले तुम बोलो, तुम खुश तो हो ना? बहुत खुश। हाँ। मांगो क्या मांगती हो?
जो मांगू वो दोगे? जरूर मेरी जान, मांग के तो देखो। बोलूं? मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं सोकर घूमूं, बाल अच्छे वाला हूँ, जरा देखिए मेरा क्या हाल बना दिया। बोलिए काम किसने किया? बोलता हूँ, आप तो जानती है मैं कितना शरीफ इंसान हूँ। बताइए काम किसने किया? बताता हूँ, कुछ नहीं किया, सचमुच बेगुनाह था। ओ तो उस बड़े ठाकुर ने आपसे बदला लेने के लिए उनसे ऐसा पड़ा और वो लड़की भी किराए की थी। अब तो मालूम पड़ा। मुझ पर रहम कीजिए साहब। तुम कहाँ जा रही हो? मुझे जाने दे। तुम यहाँ रुको, मैं सूरज को लेके आता हूँ। शिलो, माँ का ख्याल रखना, मैं अभी आया। फिक्र मत करना मौसी, सब ठीक हो जाएगा। चिंता मत करो, मैं सूरज को लेके आता हूँ। जा घर जा। पहले बड़े मालिक को लेकर आप यहाँ से चले जाइए, बाकी सब मैं संभाल लूँ। अच्छा हुआ तुम मिल गए, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मैं काफी परेशान हूँ, मैंने रत्ना का मर्डर कर दिया, तुम मेरे साथ हो ना? हाँ ठीक है। नहीं दोस्त, क्या है कि मुझे दूसरा पार्टनर मिला है और इस पुलिस वालों के झंझट में कौन पड़ेगा? मारियो दोस्ती वो आपसी संबंध पुण्यवान पेट का सवाल है यार। अच्छा दोस्त, फिर मिलेंगे। सुनो यार विजय, तुम तो मेरे साथ हो ना दोस्त? नहीं यार, मुझे एक नया बीड़ू मिल गया है, अब मैं उसके साथ हूँ। तुम कुछ पैसे कमाना फिर मुझे बुलाना। यार इतना पैसा तुम्हारे लिए खर्च किया? मुझे कुत्ते को भी ले जाना है। सुनो यार सुजय, देखो ये सब नमक राम निकले, तुम तो मेरे साथ हो दोस्त। देखो भाई, अगर तुम दोस्ती का कर्ज अदा करना चाहते हो तो ये गलत जगह है, क्योंकि दोस्ती हमने तब तक किया जब तक तुम्हारे पास पैसे का ढेर हुआ करते थे। अब तुम्हारे पास है ही क्या? इतनी दौलत में तुम्हारे लिए खर्च किया सब भूल गए तुम लोग? अपने पास टाइम नहीं है। सुनो हराम जादो, नमक हराम, आज मेरा बुरा वक्त आ गया है, तुम लोग मेरा साथ छोड़ रहे हो। देख लूंगा तुम सबको, एक एक को छोड़ूंगा नहीं। जल्दी जल्दी पिताजी, सब कुछ गड़बड़ गया, पुलिस वालों को पता चल गया है, कहीं तो गिरफ्तार भी हो गए। पिताजी, आज मेरे दोस्तों ने मेरा साथ छोड़ दिया, उन हराम जादो ने मेरे साथ विश्वासघात किया। कहते हैं हमारे दिन खत्म हो गए। क्या सच है पिताजी? पिताजी हम यहाँ राज करने के लिए हैं, लोगों को हुक्म करने के लिए हैं, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई हमारी रोक टोक करे। बताइए इनका मैं क्या करूँ पिताजी? धीरज रख बेटे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक बार हमें यहाँ से निकल जाने। गाड़ी क्यों रोक दी? हाँ? क्यों रोक दी? मुझे रास्ता खराब है, लगता रास्ता बंद है। पिताजी मैं देखता। ये तो ठीक नहीं कर रहा है, देख तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ मुझे इतना बता दे कि मेरे पिताजी कहाँ। मुझे कुछ नहीं मालूम। तू नहीं बताएगा? मुझे कुछ नहीं मालूम। प्रताप, कहाँ हो तुम? प्रताप, प्रताप कहाँ हो? प्रताप, प्रताप कहाँ गए? प्रताप, 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 प्रताप कहाँ? जल्दी चलिए पिताजी। चलो चलो। देखता हूँ कौन तुम्हें फांसी के फंदे से बचाता है। इंस्पेक्टर, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। दो कौड़ी के लौटने के लिए हमारी बेइज्जती मत करो, एक बार हमें भागने का मौका दो। बंद कर दो इसे। इंस्पेक्टर एक बार भागने का चांस दे दो। इंस्पेक्टर एक बार पैसा दूंगा, मान जाओ।
चलिए साहब, आपने हमारी बड़ी सेवा की। इंस्पेक्टर साहब, मेरा भाई अगर कसूरवार है तो उसे कुछ भी सजा दे दीजिए, लेकिन इस वक्त इसकी जान बचा लीजिए, इसे हॉस्पिटल लेके चलिए। मैंने वो काम नहीं किया। मैं जानता हूँ सूरज, मुझे सब मालूम है, लेकिन माँ ने मुझे बहुत मारा, घर से भी निकाल दिया। माँ को गलत फहमी हो गई थी। कहा मैं उनका बेटा नहीं हूँ। माँ को गलत फहमी हो गई थी, ठाकुर के लोगों ने यह सब जाल बिछाया था। माँ अपने होश खो बैठी थी, लेकिन अभी उनको भी सब कुछ मालूम हो गया। तू थोड़ी सी हिम्मत रख सूरज, बड़े ठाकुर और छोटे ठाकुर सारे गुंडों के साथ गिरफ्तार कर लिए गए। थोड़ी सी हिम्मत रख सूरज, माँ तेरी राह देख रही है। मैं उन्हें कहकर आया हूँ तो ये साथ लेकर ही लौटूंगा, हिम्मत रख। भाई साहब जरा जल्दी चलो। भैया माँ का ख्याल रखना। भाई साहब जरा जल्दी चलना। सूरज, 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 मेरी तरफ देख, सूरज तरफ देख। मैं माँ को कहकर आया हूँ तुझे साथ लेकर ही लौटूंगा, मेरी तरफ देख सूरज। इंस्पेक्टर साहब देखिए ना, इसे क्या हो गया, ये कुछ कहता क्यों नहीं। सूरज मेरी तरफ देख, सूरज, सूरज, सूरज। मैं माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा सूरज, मैं वापस घर कैसे जाऊंगा सूरज, सूरज। धीरज रख दोस्त। कैसे धीरज रखूं, मैंने माँ से कहा था मैं उसे लेके आऊंगा। नहीं नहीं दोस्त, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सका। नहीं ऐसा नहीं कहते दोस्त, अगर तू धीरज खो देगा तो मौत को कौन संभालेगा सूरज। नहीं नहीं नहीं, अभी तो तुझे मुसी को संभालना है। तू चिंता ना कर माँ, हम बड़े रहोंगे, इस धरती से हम दोनों सोना उपजाएंगे। इन आँखों में ना तेरे हम आंसू आने देंगे। सूरज आंखें खोल, सूरज तेरे पिताजी तेरी राह देख रहे हैं। सूरज आंखें खोल। हाँ सूरज, पिताजी तेरा इंतजार कर रहे हैं। अपना कफन बांध के आया।
सूरज दुश्मन को मौका मत देना। आप लोग इसे छोड़ दीजिए। सूरज तू जख्मी है। चल हट। सूरज सिर्फ इतना बता मेरे पिताजी कहाँ हैं? मैंने तेरे पिताजी को खत्म किया। मुझे मारेगा तू? मार मार मुझे। पिताजी को खत्म कर दिया। तू मुझे मारेगा? मार मुझे मार मार। इंस्पेक्टर साहब रुक जाओ। पिताजी को मार डाला। एक बार मुझे उनसे मिलने भी नहीं दिया। मैं क्या करूं? तुम्हारा पिताजी जिंदा है और इस वक्त पुलिस की हिफाजत में है। मैं वादा करता हूं ये आदमी छूट नहीं पाएगा। लेकिन तुम कानून अपने हाथ में मत लो। रुक जाओ। यू आर अंडर अरेस्ट। मेरी बेटी। आप फिक्र ना करें, सूरज खतरे से बाहर है। आप आइए, मैं सूरज को लेके आती हूँ। जा सूरज, तेरा ये नया जीवन ये माता पिता का आशीर्वाद है। उन्हें और दुखी मत करना। जा। नमस्ते भाई साहब, मुझे इंस्पेक्टर विनोद ने भेजा है। आपने पहचाना इन्हें? जरा गौर से देखिए, ये वही व्यक्ति है जिन्होंने आज से 20 साल पहले रियासत के खिलाफ सबसे पहले अपनी आवाज उठाई थी, जिसकी वजह से राजा साहब ने उन्हें बंदी बना लिया और उन पर बेरहम सितम ढाए। बहुत ही यातना सहन करने के बावजूद उन्होंने अपना सर नहीं झुकाया, बल्कि धैर्य और निष्ठा से सिर्फ समय का इंतजार करते रहे, जिसकी वजह से आज आपको उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आपके परम पूज्य पिताजी। पिताजी, सूरज आपको बहुत याद करता था। इतने दिन तक कहाँ थे आप? बहुत याद करता था पिताजी। सूरज आपको बहुत याद करता था। तेरी माँ कहाँ है? चल चल उनके पास। माँ माँ देखो तो कौन आए। माँ देखो तो कौन आए। माँ पिताजी आए हैं। क्या? हाँ माँ। पारो मेरे कलेजे के दो टुकड़े, यही तो मेरा सपना है। इसलिए तो मैंने इनका नाम रखा है चंदा और सूरज, और मेरा सपना एक दिन जरूर पूरा होगा। अच्छा, तू जो है मेरे साथ। Thank you.